सभी किसान भाइयों को रमाकांत बरखाने की ओर से नमस्कार। हमारी चैनल आज का मंडी भाव में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच सके। और किसान भाइयों, डिस्क्रिप्शन में हमारी न्यू चैनल रिवाज फार्मिंग, जिसमें खेती बाड़ी से हर की जानकारी दी जाती है, उसे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। किसान भाइयों, हम बात करेंगे नोहर मंडी भाव की। नोहर मंडी भाव से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे न्यू चैनल रिवाज फार्मिंग का लिंक है, उसे जाके ओपन करें और उसे भी अपने ऐसे ही प्यार दिखाएं। किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोहर मंडी भाव की। नोहर मंडी में सरसों के भाव की बात करें किसान भाई, सरसों का भाव रहा 7,000 से लेकर 7,495 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं गवार का भाव रहा 5,800 से लेकर 6,125 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं चना का भाव रहा किसान भाई, चना की बात कर ले तो 5,000 से लेकर 5,215 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हम अरंडी के भाव की बात करें किसान भाई, तो अरंडी का भाव रहा 5,500 से लेकर 6,170 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं कड़क के भाव की बात करें किसान भाई, कड़क का भाव रहा 1,650 से लेकर 1,768 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं गेहूँ का भाव की बात करें किसान भाई, 1,850 से 1,888 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं जौ के भाव की बात करें किसान भाई, जौ का भाव रहा 1,900 से लेकर 2,096 रुपये प्रति क्विंटल। में मेथी का भाव रहा 6,000 से लेकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं तारा मीरा का भाव रहा किसान भाई, वो 5,800 से लेकर 6,274 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाई, ये थी नोहर मंडी की अपडेट। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें। और किसान भाई, हमारी न्यू चैनल रिवाज फार्मिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। उसमें आपको खेती बाड़ी से संबंधित ए टू जेड जानकारी मिलेगी। उस पर आप जाकर उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसका भी दबा दीजिए, जिससे उसका हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको थोड़ी हेल्प हो सके। धन्यवाद।